कीजिए। हर बार भीष्म के समक्ष ही भीष्म स्थिति क्यों उत्पन्न हो जाती है? क्यों? आप सभी को अपने अस्त्र शस्त्र मिल चुके हैं, अब आप लोग कहां कहां और किस व्यू में रहेंगे ये समझ लीजिए। ये कुरुक्षेत्र है और हमारे सामने होगी कौरव सेना। हमारी सेना का दायां पक्ष मैं संभालूंगा और बायां पक्ष महाबली भीम, और मध्य में होंगे गांडीवधारी अर्जुन, और कौरवों की सेना में द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन जैसे महारथी होंगे, और सबसे आगे होंगे महाबली, इच्छा मृत्यु के वरदानधारी भीष्म। इस युद्ध में सभी ने अपना स्थान जान लिया है। अब तुम सुनो पार्थ, तुम इस युद्ध के, इस सेना के सबसे महत्वपूर्ण भाग में हो, और युद्ध की अलिखित नीति यही है कि प्रारंभ निर्णायक होता है, और एक कुशल और विजय प्रारंभ ना केवल सेना का मनोबल बढ़ाता है अपितु उसे विजय की ओर भी लेकर जाता है। तुम हमारी सेना के मेरुदंड हो, मूल आधार हो, इसलिए विशेषतः आक्रमण तुम्हारे ऊपर ही होंगे पार्थ। और युद्ध में तुम्हारे समक्ष खड़े होंगे तुम्हारे पितामह परशुराम, शिष्य महामहिम भीष्म, जो कौरवों के सबसे बड़े बल है। और कूटनीति यही कहती है कि यदि आधार को गिरा दिया जाए तो इमारत को गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। और महामहिम भीष्म कौरव सेना के आधार हैं। और तुम्हें उन्हें गिराना ही होगा। यदि युद्ध के प्रथम दिन ही तुम उन पर हावी हो जाओ तो ये हमारे पक्ष के लिए सर्वोत्तम होगा पार्थ। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर की रक्षा बनेंगे, यही इनका कर्तव्य है और यही नियति। कहाँ खो गए पार्थ? मैं बस यही सोच रहा हूं माधव, पितामह पर वश कैसे कर पाऊंगा? वो देव गुरु बृहस्पति और भगवान परशुराम के शिष्य हैं, और उस पर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ऐसे विकट योद्धा को कैसे पराजित कर पाऊंगा मैं? कैसे रोक पाऊंगा मैं उन्हें? उत्तम, अति उत्तम, बधाई हो पार्थ। तुम तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही पराजित हो। एक शत्रु की शक्ति का अनुमान होना एक योद्धा के लिए उचित होता है, परंतु शत्रु की शक्ति को देखकर उससे स्वयं को हीन समझना पराजय की ओर सबसे पहला पड़ाव होता है पार्थ।
कुरुक्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रत्येक योद्धा तुम्हारा शत्रु है पार्थ, जिसका तुम्हें वध करना है। अन्यथा आज तुम भीष्म से भयभीत, कल तुम कर्ण से होगे, परसों तुम ये कहोगे कि मैं आचार्य द्रोण का सामना कैसे करूं। यदि ऐसा ही रहा तो कैसे पूर्ण करोगे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार, कैसे लोगे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध, अपनी प्रतिज्ञाएं कैसे पूर्ण करोगे पार्थ, बताओ। यदि युद्ध में विजय होना है तो उसका केवल एक ही मार्ग है पार्थ, या तो शत्रु का सर झुका दो या फिर उसका सर संधान कर दो। यदि तुम्हें इस धर्म युद्ध में विजय पानी है तो तुम्हें अपने पितामह का सर झुकाना होगा। या फिर उनका सर संधान करना होगा पार्थ, और यही तुम्हारा धर्म है पार्थ। केवल गंगा पुत्र भीष्म ही नहीं, तुम्हें हर उस योद्धा का वध करना होगा, हर उस योद्धा को दंड देना होगा जो धर्म स्थापना के मार्ग में आए। क्या हुआ पार्थ, तुम इतने विचलित क्यों हो? कुछ नहीं माधव, अपने सखा से सत्य छिपाना इतना सरल कार्य नहीं है पार्थ। तो बताओ ऐसा क्या भाव है जो तुम्हारे मन को अशांत कर रहा है, बोलो पार। नहीं माधव, मैं ठीक हूं। आज गए मेरे पितामह कहां रह गए? सभा आरंभ की जाए। सभी रथी, महारथी और योद्धा आकर वो अस्त्र ग्रहण करें जिससे उन्हें युद्ध में प्रयोग करना है। पात महामहिम,
यशस्वी भव। प्रणिपात महामहिम, तो सहोदर एक दूसरे का रक्त ना भाई, ये उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा। दर्शन प्राण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। छह पुत्रों को जीवन देखना चाहती हूँ, इस विपदा का है आपको ही निकालना होगा। मेरा शस्त्र मानो ही। क्या हुआ पितामह? क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि एक सूत पुत्र मेरी ओर से युद्ध में भाग नहीं लेगा। ये क्या कह रहे हैं आप पितामह? अब भूल रहे हैं, वर्षों पहले मैं अंगराज को राजा घोषित कर चुका हूं। उसके कर्म को उसके जन्म से प्रधानता दे दी आपने। कर्ण ने मेरे लिए दिग्विजय प्राप्त की है। आपने स्वयं विराट युद्ध में उसके साथ मिलकर युद्ध किया, तो फिर आज उसके भूत पुत्र होने का प्रश्न कहां से उत्पन्न हो गया है? बात जन्म की ही तो है दुर्योधन। हां, मैंने कर्ण के साथ युद्ध लड़े हैं, परंतु ये युद्ध बाकी युद्धों से भिन्न है। ये एक महान युद्ध है। भले ही कर्ण अंगराज है, परंतु यह बात भी सत्य है कि इसका जन्म एक सूत के घर हुआ है। सदा इस पल की प्रतीक्षा की है जब मैं ये सिद्ध कर सकूं कि जीवन जन पर नहीं कर्म पर निर्भर होता है, और आज जब ये समय आया तो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं रिक्त हाथ लौट जाऊं। यह युद्ध केवल मेरा अधिकार नहीं, मेरे जीवन जीने का लक्ष्य है। आप मुझसे मेरा अधिकार मेरा लक्ष्य मत छीनिए। मैंने अपने मित्र को वचन दिया है कि इस युद्ध में मैं उसकी रक्षा करूंगा, पूर्ण रूप से मैं उसकी सहायता करूंगा, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं इस युद्ध में सम्मिलित ही नहीं हो सकता। क्या अपराध कर दिया मैंने कि आप मुझे यह दंड दे रहे हैं?
मैं कौरवों का सेनापति हूं और एक सूत पुत्र को अपने निर्णय का कारण बताना उचित नहीं समझता। और ये मेरा अंतिम निर्णय है कि जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं तब तक कर्ण युद्ध भूमि से दूर रहेगा। हे कैप्टन, कर्ण को उत्तर देना या ना देना आपका अधिकार है, परंतु एक सेनापति का कर्तव्य भी है और धर्म भी कि वो अपने युवराज के हर एक प्रश्न का उसे उत्तर दे। तुम्हारा पितामह होने के नाते मैं इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझता। परंतु मैं कारण समझ चुका हूं और कारण ये है कि आपका मन उन पांडवों के पक्ष में डोल रहा है, उन पांडवों के प्रेम में आपकी प्रतिज्ञा दुर्बल हो गई है। विश्वासघात कर रहे हैं आप हमारे साथ, विश्वासघात। दुर्योधन, नहीं पितामह, मुझ पर क्रोध दिखाने से आपका सत्य बदल नहीं जाएगा और सत्य यही है कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं। आप जानते हैं कि यदि कर्ण ने इस युद्ध में भाग लिया तो वो आपके उन प्यारे पांडवों का नाश कर देगा और इसी उद्देश्य के चलते आप कर्ण को इस युद्ध से दूर रखना चाहते हैं। तुम्हें जो समझना है समझो दुर्योधन, परंतु मैं किसी को भी अपना उद्देश्य बताना उचित नहीं समझता। बहुत हो गया पितामह, बहुत हो गया। अब आपको अवकाश लेने की आवश्यकता है, बूढ़े हो गए हैं आप। इसीलिए मैं महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन आपको आपके कर्तव्य से मुक्त करता हूं। बताए क्यों पितामह? क्योंकि आपसे कहीं अधिक विश्वास मुझे मेरे मित्र कर्ण पर है, उसकी प्रबलता पर है। क्योंकि आपका हृदय तो सदैव पांडवों के हित में ही सोचता आया है। और मैं ऐसे सेनापति को अपनी समस्त सेना का उत्तरदायित्व तो नहीं दे सकता जो शत्रु है तुम्हें सोचता हो। यदि कर्ण इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता तो आप भी इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे। यदि तुम्हारा यह निर्णय है दुर्योधन तो यही सही। मैं स्वयं को
इस युद्ध से विरक्त घोषित करता हूं। मुझे आपकी आवश्यकता नहीं। दुर्योधन, ये क्या कह रहे हो तुम? मूर्खता मत करो और मित्रता की मोह में नेत्रहीन ना बनो दुर्योधन। हमें कर्ण से अधिक पितामह की आवश्यकता है, समझ गए तुम? मैंने आपसे सुझाव मांगा। मांगा तो जाइए और जाकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे याद है कि मैं क्या कर रहा हूं। जाइए। नहीं महामहिम, युवराज ने जो कहा क्रोध में आकर कहा, मैं इस विषय में उनसे बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा महामहिम। नहीं कौंतेय कर्ण, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए महामहिम। मुझे एक सूत पुत्र की बात नहीं सुननी। कुरुक्षेत्र में तुम्हारे विरुद्ध खड़ा प्रत्येक योद्धा तुम्हारा शत्रु है पा, जिसका तुम्हें वध करना है। अन्यथा आज तुम भीष्म से भयभीत हो, कल तुम कर्ण से हो, परसों तुम ये कहोगे कि मैं आचार्य द्रोण का सामना कैसे करूं। यदि ऐसा ही रहा तो कैसे पूर्ण करोगे अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिकार? कैसे लोगे पांचाली के अपमान का प्रतिशोध? क्या बात है आर्य, बड़ी गहन सोच में डूबे हुए हैं। कोई समस्या है? समस्या क्या है मैं नहीं जानता, परंतु एक विचित्र भय की अनुभूति हो रही है मुझे। मन बड़ी दुविधा में है। कैसा भय और कैसी अनुभूति? मैं और मेरा मन इस दुविधा में है कि क्या यह युद्ध उचित है, अपनों का वध करना आवश्यक है। मन में संशय है, कहीं हम कोई अनर्थ तो नहीं करने जा रहे? अनर्थ तो उन्होंने किया था आर्य, भूल गए लक्षाग्रह, भूल गए वो द्यूत सभा, भूल गए मेरा चीरहरण करने का प्रयास, वो वनवास अज्ञातवास स्मरण नहीं आपको? ये अनर्थ नहीं, अभी तो इस समय का सबसे अर्थवान कार्य है आर्य। ये धर्म युद्ध है, उनके विरुद्ध जिन्होंने अधर्म किया और उनके विरुद्ध जो मौन रहकर इस अधर्म के साक्षी बने, ये एक प्रयास है आर्य आने वाली पीढ़ियों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करने का कि जो अधर्म करता है और जो चुप रहकर उसे होते हुए देखता है, वो दोनों ही नाश के भागी है। आप अनावश्यक रूप से स्वयं के मन पर बोझ डाल रहे हैं आर्य, आप योद्धा हैं,
और ये महायुद्ध आपके जीवन का लक्ष्य, आपका कर्तव्य और आपका धर्म। धर्म? अपने पितामह पर शस्त्र उठाना कैसा धर्म है? गुरु का वध करना कैसा कर्तव्य? विराट युद्ध में जब यही लोग आपके विरुद्ध धनुष बाण ताने खड़े थे, तो क्या ये उनका कर्तव्य था? प्रतिज्ञा से बंधे होने का बहाना बनाकर अपनी कुल वधु की लाज लुटते हुए देखना, क्या ये उनका धर्म था? और ये मत भूलिए आर्य, आचार्य द्रोण ने अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए पिताश्री के विरुद्ध आप सबको युद्ध में झोंक दिया था। आप तो अधर्म का प्रतिकार ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आ रहे कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी उन्होंने किया वो धर्म था, उचित था? नहीं पांचाली, नहीं। जो उन्होंने किया वो सर्वथा अनुचित था, परंतु मन में दुविधा यह है कि जो हम करने जा रहे हैं वो उचित है। यदि हम भी उनकी ही भाषा में उन्हें उत्तर देंगे तो फिर हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? विश्राम कीजिए, सो जाए। सो जाओ? कैसे सो जाऊं पांचाली, जबकि मुझे ज्ञात है कि कल प्रातः मुझे बाण संधान करने हैं, मेरे परिजनों को मृत्यु की नींद सुला देंगे। तो कैसे सो जाऊं मैं, कैसे? साम दंड भेदेन अस्माकं विजयं निश्चितम्। साम दाम दंड भेदेन अस्माकं विजयं निश्चितम्। कहा है? कैसे होगा? अपनी मित्रता के भावावेश में बहकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो दुर्योधन, बहुत बड़ी भूल। वो अंगराज अब वो कर्ण नहीं ना, जिसे अस्त्र बनाकर तुम पांडवों पर प्रयोग करना चाहते थे ना, जिसकी सारी शक्ति उसके कवच और कुंडल में थी, जो अब नहीं है, जिसके जाते ही कर्ण केवल और केवल मात्र एक साधारण योद्धा और एक साधारण धनुर्धारी रह गया है दुर्योधन। और ऐसे व्यक्ति को तुम प्रधान सेनापति बनाना चाहते हो? है कौरवों की वास्तविक शक्ति इच्छा मृत्यु के वरदान धारी महामहिम भीष्म है, ना कि वो कवच हीन सूत पुत्र कर्ण। मैं जानता हूं,
मैं जानता हूं कि तुम्हें तुम्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, जानता हूं मैं। परंतु एक बार अपने मन से पूछो, अपने मन से पूछो एक बार, उत्तर यही मिलेगा कि वो सुपुत्र कर्ण कुंती और उसके पुत्रों के लिए कोमल भाव रखता है। कोमल भाव, स्मरण करो कि किस प्रकार उसने हमारी हर चाल में बाधा डालने का प्रयास किया है दुर्योधन, चाहे वो द्यूत सभा हो या विराट युद्ध, हाँ, या फिर तुम्हारे जीजा श्री जयद्रथ का अपमान है। कर्ण सदैव उन पांडवों के पक्ष में रहा है, द्रोही है वो। अपने मन को टटोलो दुर्योधन, उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। विश्वास खाती है तुम्हारा मित्र कर्ण, विश्वास खाती। ये क्या क्या कर रहे हो? कुछ लूटिए। मैंने अपने मन को टटोल कर देखा तो स्वर से ये आया कि मेरा मित्र कर्ण पूर्ण रूप निष्ठावान है। एक और स्वर मन से निकला कि यदि मेरे मित्र कर्ण के ऊपर कोई भी उंगली उठाए तो उसे तोड़ देना। केवल इसलिए कि आप मेरे मामा श्री हैं, बार बार मेरे धैर्य की परीक्षा लेने का अधिकार नहीं मिल जाता। अवश्य में स्मरण रखना, जब मैंने अपने संबंधियों को क्षमा नहीं किया, उन्हें 5 गांव ना देकर इस महायुद्ध का आह्वान कर दिया तो आपका नाश करने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। स्मरण रखना, ना तो फिर कभी मेरे धैर्य की परीक्षा लेना और ना ही मेरे मित्र कर्ण के ऊपर आरोप लगाना। सम्राट, वाह, आज तुमने उस पुत्र के कारण अपने अपने उस मामा का अपमान किया जो अपना सब कुछ त्याग कर तुम्हारे हित के लिए, केवल तुम्हारे हित के लिए अपनी बहन के घर श्वान बनकर बैठा है। तुमने उस मामा का अपमान किया जिसने अपना श्वास, अपना ध्यान, अपनी आस, अपना अभ्यास सब कुछ न्योछावर कर दिया अपने होने वाले सम्राट के लिए। तुमने उस मामा का अपमान किया दुर्योधन, जिसने साम दाम दंड भेद युक्ति कपट छल कुचक्र षड्यंत्र सबकी पराकाष्ठा कर दी। क्यों? अपने अपने होने वाले सम्राट के लिए है? और तुमने उस मामा का अपमान किया उसके लिए जिसने जिसने अपना कवच और कुंडल उन पांडवों को दान में दे दिया। साधु मेरे होने वाले सम्राट, साधु। नहीं पिताश्री, मुझे महामहिम का निर्णय स्वीकार नहीं है। मुझे तो युवराज दुर्योधन का संदेह उचित प्रतीत होता है।
हाँ अवश्य महामहिम उन पांडवों की सुरक्षा चाहते हैं और वो जानते हैं कि जब तक आप युद्ध में उपस्थित रहेंगे तब तक पांडव सुरक्षित नहीं है। तभी वो आपको युद्ध से दूर रखना चाहते हैं। जानता हूं मैं ये बात। शांत हो जाओ पुत्र। कैसे शांत हो जाऊं पिताश्री? इस समय कौरवों को सबसे अधिक आवश्यकता आपकी है, ना कि महामहिम की। ये एक योद्धा नहीं, एक पुत्र बोल रहा है। युद्ध में योद्धा के बल से अधिक अनुभव का बल काम आता है। गंगा पुत्र भीष्म को ऐसे ही महामहिम नहीं कहा जाता। स्वयं गुरु परशुराम भी उन्हें परास्त नहीं कर पाए थे। आओ मेरे साथ। जब तुम भीतर आए थे तो बाहर कौन था? सैनिक थे, सहस्त्रों सैनिक थे। तो बताओ कि वो सारे सैनिक कहां चले गए? हस्तिनापुर में चारों ओर ये सूचना फैल रही है कि महामहिम कौरव सेना का नेतृत्व नहीं करेंगे। सारे सैनिक अपने अपने सेना नायकों के पास इस बात की पुष्टि करने के लिए गए हैं और यदि ये निश्चित हो गया कि महामहिम कौरव सेना का नेतृत्व नहीं करेंगे तो युद्ध से पूर्व ही कौरवों का अधिकतम बल युद्ध से विरक्त हो जाएगा। ये सारे सैनिक अपने प्राण हथेली पर लेकर इसलिए लड़ते हैं क्योंकि इन्हें विश्वास है कि उनका सेनापति उनके प्राण व्यर्थ नहीं जाने देगा, कि उनके जीवन के बदले में उन्हें विजय मिलेगी। इसलिए पुत्र दुर्योधन को मेरे बदले महामहिम को चुनना चाहिए क्योंकि महामहिम के पास सेना का विश्वास है। तो अब आप क्या करेंगे पिताश्री? एक योद्धा होने के नाते अपने से महान योद्धा का सम्मान और वो कार्य जो मेरे मित्र के हित में होगा।